नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा YouTube चैनल SKD All in One। गाइज, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आप लेटेस्ट अपडेट को मिस ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच गाइज, वी हैव कम्प्लीटेड 2000 सब्सक्राइबर्स ओवर YouTube चैनल। थैंक यू सो वेरी मच, इतना प्यार बनाया आप लोगों ने, इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। इस साल का टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर को हिट करना। तो गाइज़, आज फिर से एक स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कस होने जा रहा है, जिसका नाम है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लूट का खुलासा आप लोगों को पता है कि SKD ऑल इन वन पे पहले से ही हो रहा है। जो भी गलत हो रहा है मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे लोगों को जागरूक करना। हमारा यूथ, जो युवा, जो नौजवान है, जो भटक रहा है, जो गलत गलत कंपनी को ज्वाइन कर ले रहा है, उन लोगों को सही जानकारी देना। तो गाइज, इससे पहले जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वेस्टिज के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं वो कॉस्मिक न्यूट्राकॉस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक गौतम बाली जी खुद हैं, और ये ही कंपनी गाया गुड हेल्थ के नाम से भी प्रोडक्ट बनाती है। सेम जो प्रोडक्ट वेस्टिज में सेल होते हैं, सेम प्रोडक्ट गाया गुड हेल्थ में भी सेल होते हैं, लेकिन उसके प्राइस में 100, 150, 200, 250 रुपये का डिफरेंस निकल करके आता है। और जो गाया गुड हेल्थ के प्रोडक्ट हैं वो वेस्टिज डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करने को नहीं मिलते, क्योंकि वो कम रेट्स के होते हैं, राइट? गौतम बाली जी गाया के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये नैतिकता नहीं है जैसा कि मैं मानता हूँ। और इनके ये एक और प्रोडक्ट, एक और ब्रांड, कॉस्मेटिक ब्रांड सेल कर रहे हैं, जिसका नाम है स्केनीला, SKINELLA, स्केनीला के नाम से कॉस्मेटिक फीमेल्स के, मेल्स के प्रोडक्ट आ रहे हैं जो ये मार्केट में ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। इसका भी जो मैन्युफैक्चर्ड, जहाँ से ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो कॉस्मिक न्यूट्राकॉस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ही है। ये भी गौतम बाली जी की ही कंपनी है। तो यू नो वेरी वेल, गौतम बाली जी नेटवर्क मार्केटिंग को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं। 2004 में वो वेस्टिज को लेकर के आए और 2008 में वो गाया गुड हेल्थ में आ गए। मतलब लोग ट्रेडिशनल से नेटवर्क में आते हैं, ये नेटवर्क से ट्रेडिशनल में चले गए। मल्टीपल गेम खेल रहे हैं गाइज ये, राइट? और बहुत बड़ी पोल खोलने जा रहा हूँ आज, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ आप लेटेस्ट अपडेट को मिस कर देंगे और आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। स्किप मत करिएगा, कंप्लीट वीडियो को वॉच करिएगा, राइट? अब कुछ पॉइंट को लेकर के मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, 2004 में ये वेस्टिज को लेकर के आए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, राइट? और बहुत बड़े बड़े दावे किए, बहुत बड़े बड़े, आपकी ज़िंदगी सवर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऑडी आ जाएगी, अमकना आ जाएगा, डिस्कना आ जाएगा, इस तरीके की बातें यहाँ पर की जा रही थी गौतम बाली जी के द्वारा। और आज गौतम बाली जी खुद 19 कंपनीज के मालिक हैं गाइस, जिसमें गाया गुड हेल्थ भी है, कॉस्मिक न्यूट्राकॉस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो वेस्टिज के लिए प्रोडक्ट बनाती है, स्केनीला, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है। तो बाली जी मल्टीपल गेम खेल रहे हैं, जगह जगह से पैसा बना रहे हैं, उनको डायरेक्ट सेलिंग में भरोसा नहीं है और वो लोगों को झूठी दिलासाएं दे रहे हैं, और लेकिन वो अपना खुद ट्रेडिशनल में काम कर रहे हैं। मतलब रिटेल मार्केट में उन्होंने बहुत बड़ा अपना नाम बना रखा है, विदेशों में गाया के प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं, राइट? जबकि बाली जी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग को कहते हैं कि ये एक महान इंडस्ट्री है, इससे बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। तो बाली जी, मैं आपसे एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा, आप डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आप रिटेल मार्केट में क्यों आए? अगर आप रिटेल मार्केट में आए भी और आपने सेम प्रोडक्ट निकाले और वो प्रोडक्ट वेस्टिज के डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करने के लिए क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? स्पेरुलिना आपका 400 रुपये का है और आप गाया आपकी खुद की कंपनी है, कॉस्मिक न्यूट्राकॉस आपकी खुद की कंपनी है जो आपके लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, और उसका जो स्पेरुलिना है वो करीबन 250-300 रुपए का है। तो ये 100-125 रुपए का जो गैप है, हु विल बेयर दिस? अगर लोगों को पता चलेगा, लोगों के ऊपर से ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा आपका। तो बाली जी, ये नैतिकता नहीं, आप एथिक्स की बात करते हैं, आप रूल की बात करते हैं, आप ईमानदारी की बात करते हैं। तो बाली जी, क्या ये ईमानदारी है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या ये ईमानदारी है? और मैं वेस्टिज के डिस्ट्रीब्यूटर से भी ये क्वेश्चन करना चाहूँगा। गाइज, अगर आप लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो आप इस आवाज़ को ज़रूर उठाइएगा, गौतम बाली जी तक ये आवाज़ पहुँचाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं पे वो चीज़ 300 रुपये की है, वहीं पे वो चीज़ 400 रुपये की है, वाई इज सच अ बिग गैप, राइट? तो ज़रूर इस बारे में आप डिस्कस कीजिएगा, इवन आप बाली जी को, इस बाली जी से कॉन्टैक्ट करिएगा इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि अगर आप लीडर से डिस्कस करेंगे तो लीडर आपको कुछ ना कुछ कह करके मोटिवेट कर देंगे, जिससे कि आप फील्ड में बने रहेंगे, काम करते रहेंगे। गाइस, भक्ति करें लेकिन अंधभक्ति नहीं करें, समझें आप। हमारा जो युवा है, जो यूथ है, हिंदुस्तान में चाइना से ज़्यादा यूथ है, पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना की है, लेकिन यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर है।
तो हमारा जो यूथ नौजवान है वो भटके ना, वो एक सही रास्ते में जाए। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, किसी अच्छी कंपनी का चुनाव करें गाइस, सोच समझ करके करें। इस तरीके के जो स्कैम मार्केट में चल रहे हैं, स्कैम में आप अपना करियर कभी भी ना बनाएं। लीगल तरीके से स्कैम खेला जा रहा है, ये स्कैम नहीं तो इसको क्या कहेंगे, आप खुद ही बताइए गाइस। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा खुलासा है, राइट। आपको सुन करके आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे गाइस। अब वेस्टीज की जो फ्रंट लाइन है उसमें कॉस्मिक न्यूट्राको सॉल्यूशन के नाम से एक आईडी लगी हुई है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। वेस्टीज की फ्रंट लाइन मतलब जब वेस्टीज की शुरुआत हुई, वेस्टीज ने अपना सॉफ्टवेयर तैयार किया, फ्रंट लाइन, सपोज उसने फ्रंट लाइन सॉफ्टवेयर में बनाई 100 लोगों की, राइट। अब उस 100 लोगों में से एक आदमी कॉस्मिक न्यूट्राको सॉल्यूशन के नाम से भी एक आईडी रजिस्टर है, जिसकी जो एंडिंग डिजिट हैं वो हैं 1076। स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं लास्ट के 4 डिजिट बता रहा हूँ, 1076। बाली जी अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताइएगा, राइट। तो गाइज इस बात से क्या जाहिर होता है, कॉस्मिक न्यूट्राको सॉल्यूशन वेस्टीज के लिए प्रोडक्ट बना रही है वो बाली जी की ही कंपनी है, वेस्टीज बाली जी की ही कंपनी है, और कॉस्मिक न्यूट्राको सॉल्यूशन के नाम से एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी एक आईडी वेस्टीज के अंदर लगी हुई है, राइट। तो बाली जी कितनी जगहों से पैसा बना रहे हैं आप लोग समझ सकते हैं, दैट्स वाई ही इज सच अ बिग 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 बिजनेसमैन गाइज। बेंटली इसीलिए मेंटेन कर रहे हैं, 4 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं आज, ऐसे ही नहीं आ जाती, इतनी जगहों से पैसा बना रहे हैं, आप लोग सोच समझ सकते हैं। उनको आईडी लगाने की क्या ज़रूरत थी, पूरी कंपनी तो उन्हीं की है, वेस्टीज तो उन्हीं की है, कॉस्मिक न्यूट्राकोस उन्हीं की है, इसके नीला उन्हीं की है, गाया उन्हीं की है, स्टिल उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर भी आईडी लगाई है, उससे भी पैसा कमा रहे हैं, राइट। तो ये किस हद तक गिर सकते हैं ये लोग आप समझ सकते हैं गाइस। मतलब इसका मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, बाली जी अपनी कंपनी में ही कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, मालिक तो हैं ही हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं गाइस। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, आप बाली जी से ये सवाल पूछने की हिम्मत ज़रूर करिएगा कि ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है बाली जी के द्वारा, राइट। ज़रूर पूछेगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों की क्या राय है इस चीज़ को लेकर के। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट पहले शो कर चुका हूँ गाइस। सीधा सीधा मैं आपको एक अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो कॉस्मिक न्यूट्राकोश यू पोजीशन पे है, आप एग्जांपल समझिएगा, कॉस्मिक न्यूट्राकोश सॉल्यूशन यू पोजीशन पे है, उसके नीचे वेस्टीज है और उसके नीचे फिर से कॉस्मिक न्यूट्राकोश सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, कॉस्मिक न्यूट्राकोश सॉल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई सबसे पहले, उसके नीचे वेस्टीज हो गई, मतलब वो प्रोडक्ट बना करके वेस्टीज को देती है, उसके नीचे फिर से कॉस्मिक न्यूट्राको सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि बाली जी ने एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आईडी वहां पे लगाई है, तो तीनों जगहों से पैसा खाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर करके तो खा ही रहे हैं, वेस्टीज से भी खा रहे हैं और नीचे से एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी खा रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये सोचने वाली बात है, राइट। इसमें कोई इल्लीगल नहीं है, दिस इज ऑल लीगल, लेकिन इसमें सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मतलब बाली जी क्या कर रहे हैं, मल्टीपल आईडी से गेम खेल रहे हैं। एज पर डायरेक्ट सेलिंग शायद ये लीगल नहीं है, लेकिन उनके सिस्टम में, वेस्टीज में ये किस तरीके से उन्होंने कैसे सिस्टम बना रखा है आई डोंट नो, लेकिन एज पर माय ओपिनियन ये सही नहीं है। बाली जी खुद कहते हैं कि अगर मल्टीपल आईडी सिस्टम में पाई जाती है तो आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो बाली जी अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपने भी मल्टीपल आईडी लगाई है, अगर आईडी टर्मिनेट करने की बात आप करते हैं तो आपकी आईडी भी टर्मिनेट होनी चाहिए, आपको भी पैसा नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे बाली जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, राइट। आप एथिक्स रूल की बात करते हैं तो यहाँ पे तो गाइस एथिक्स और रूल की माँ बहन कर दी गई है, एथिक्स और रूल की कहीं बात ही नहीं है। मैं आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, भक्ति करें लेकिन अंधभक्ति ना करें, चीज़ों को सोच समझ करके डिसीज़न लें, किसी अच्छी कंपनी का चुनाव करें। इस तरीके से जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लूट हो रही है, युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। हाँ, लोग मेरे से कहते हैं, कमेंट पे बहुत बार आता है कि आप वेस्टीज के बारे में ही इतना क्यों वीडियो बनाते हैं, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, वेस्टीज के बारे में ही इसलिए वीडियो बनाई जाती है क्योंकि ये कंपनी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा यूथ को भ्रमित कर रही है।
ये लोग कहते हैं हमने सबसे ज़्यादा यूथ बनाए, हम यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। आप सबसे ज़्यादा यूथ को भ्रमित कर रहे हैं। आप गाया का आपने क्या किया, गाया के प्रोडक्ट कितने में बिक रहे हैं, वेस्टीज में कितने में बिक रहे हैं, इसके नीला आपका खुद का ब्रांड है, कॉस्मिक न्यूट्राकोस सॉल्यूशन आपका खुद का ब्रांड है, ये चीज़ें किसी को पता है? नहीं पता है। अब ये चीज़ें उजागर होंगी, अब लोगों को पता चलेगा, अब लोग अवेयर होंगे, अब लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो गाइज आपको भी सोचने की ज़रूरत है, हमारे देश में युवा ज़्यादा हैं, हम युवा हैं तो हमको सोचने की ज़रूरत है। अभी हम रिस्क लेने की कंडीशन में हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को ऐसी जगह नहीं डाल सकते जहाँ से कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है आगे जा करके, राइट? तो मेक श्योर आप इन चीज़ों को फोकस करें, इन चीज़ों को सोचें समझें, ऐसे ज़िंदगी में डिसीजन ना लें। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा गाइज, ना हम दबते हैं ना हम बिकते हैं, कभी नहीं दबेंगे ना कभी बिकेंगे और ना ही कभी झुकते हैं गाइज। एक्चुअली हमारा जो मोटिव होता है, हम अपनी आवाज़ को उठाते हैं और प्रूफ के साथ हम लोगों के साथ सच्चाई से रूबरू करवाते हैं, राइट? यही हमारा मोटिव है, यही हमारा एम है कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो लूट हो रही है मार्केट में उसको लोगों तक बताना कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये चैलेंजेस हैं, आप इस तरीके से ना करें। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो वेरी मच, इतना प्यार आपने दिया चैनल के ऊपर। इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट लेकर के लाता रहूँगा आपके लिए। तो गाइज़ वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं, इतना प्यार आप लोगों ने दिया है उसके लिए दिल से शुक्रिया। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।